लखनऊ में बीजेपी और निषाद पार्टी की संयुक्त रैली आज है, तो लखनऊ के रमाबाई मैदान में यह विशाल जनसभा होगी। गृह मंत्री अमित शाह, सीएम योगी आदित्यनाथ, संजय निषाद इस जनसभा में शामिल होंगे। तो दोपहर 1 बजे बीजेपी और निषाद पार्टी की यह संयुक्त रैली होनी है। तो बीजेपी और निषाद पार्टी की संयुक्त रैली आज होगी लखनऊ के रमाबाई मैदान में। यह विशाल जनसभा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की जानी है। अमित शाह, सीएम योगी आदित्यनाथ और साथ ही साथ अगर बात की जाए तो निषाद पार्टी के संजय निषाद भी आज इस जनसभा में शामिल होने वाले हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रामानुज हमारे साथ जुड़ गए। रामानुज, आज ये संयुक्त रैली होने वाली है निषाद पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की, क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही? देखिए साहिल, ये रैली लगभग 1 बजे की शुरू होगी और अमित शाह जो है उसमें लगभग 1.5 बजे के बाद जो है शिरकत करेंगे। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि रमाबाई मैदान को पूरी तरीके से भरने की कोशिश है। संजय निषाद जो निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनकी और जो है बीजेपी की कि पूरी तरीके से उस रैली स्थल को भर दिया जाए और एक मैसेज देने की कोशिश है कि उत्तर प्रदेश के अंदर निषाद समाज और बीजेपी के साथ जाएगा। और ये मैसेज जो है आज रमाबाई मैदान से देने की कोशिश है। और इसमें माना जा रहा है कि मछुआरा समाज के आरक्षण की जो बात चल रही है लगातार, उसके ऊपर भी आज जो है गृह मंत्री कुछ बोल सकते हैं, उस पर जो है वादा कर सकते हैं और उस आरक्षण को लागू करने की बात कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल जो है 2 बजे रैली स्थल पर जो है अमित शाह पहुंचेंगे, गृह मंत्री अमित शाह पहुंचेंगे और वहां पर उस रैली स्थल पर पहुंच के लगभग 45 मिनट वो वहां पर रहेंगे। और उस दौरान जो है माना जा रहा है और आस भी लगाई जा रही है तमाम जो निषाद समाज के लोग हैं उनकी तरफ से कि शायद इस बार आरक्षण की मांग को जो लेकर लगातार जो ओम प्रकाश राजभर भी मांग उठाते रहे हैं इसकी और अब संजय निषाद भी मांग उठा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है इस मांग को लेकर आज माना जा रहा है कि एक बड़ा जो है कोई वादा कर सकते हैं जो गृह मंत्री हैं इस मंच से। तो ऐसे में ये संयुक्त रैली की सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और इसमें दूर दूर से लोग आ रहे हैं, जो निषाद समाज के लोग हैं वो भी, निषाद पार्टी के लोग हैं वो भी और बीजेपी के भी जो लोग हैं उस मैदान को भरने में लगे हुए। तो माना जा रहा है कि जब 2 बजे रैली होगी तो पूरा मैदान खचाखच भरा होगा, तो जाहिर सी बात है एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश की जा रही है भारतीय जनता पार्टी और संजय निषाद की जो निषाद पार्टी है उनके जरिए कि उत्तर प्रदेश के अंदर ये दोनों का गठबंधन जमीन पर जो है वो उतरेगा। और जाहिर सी बात है कि इस गठबंधन के साथ साथ जो 39 सीटें जो हैं वो कहीं ना कहीं निषाद राज की बाहुल्य हैं उससे फर्क पड़ेगा, तो जाहिर सी बात है एक मैसेज देने की कोशिश है 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए। और अगर गृह मंत्री अगर इस बात का कोई सीधे तौर पर अगर जो कह सकते हैं कि अगर वो निषाद समाज के आरक्षण की बात करेंगे तो जाहिर सी बात है एक बड़ा गेम चेंजर भी हो सकता है। जी साहिल, रामानुज जिस तरीके से आपने कहा कि लगातार पूरी कवायद में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जुटी हुई नजर आ रही है, चुनावी मोड में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी है, तमाम शीर्ष नेता पहले से ही चुनावी मैदान में उतर चुके हैं, चाहे वो अमित शाह हो, चाहे खुद सीएम योगी आदित्यनाथ की हम बात कर रहे हैं या फिर उसके अलावा राजनाथ सिंह भी उत्तर प्रदेश का दौरा कर चुके हैं। अलग अलग तरीके से देखा जा रहा है कि जो बड़े नेता हैं जेपी नड्डा की अगर हम बात करें तो वो भी उत्तर प्रदेश का दौरा कर चुके हैं, लगातार चुनावी मंत्र यहाँ पर दिया जा रहा है, कार्यकर्ताओं में जान फूंकने का काम किया जा रहा है। और दूसरी तरफ रैलियाँ यहाँ पर जो है वो भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की जा रही हैं और विपक्ष पर निशाना साधती हुई भी भारतीय जनता पार्टी नजर आ रही है। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर देखा जाए कितना फायदा पहुंचता हुआ नजर आ रहा है भारतीय जनता पार्टी? देखिए साहिल, अगर बात की जाए फायदा और नुकसान तो नतीजे बताएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं संजय निषाद का जो अपना वर्चस्व है वो पूर्वांचल के कई क्षेत्र में है और निषाद बाहुल्य क्षेत्र होने के नाते गोरखपुर और संत कबीर नगर, उसके साथ साथ फिर आप बलिया चले जाएं, देवरिया चले जाएं, कुशीनगर चले जाएं, तो इस क्षेत्र में प्रभाव देखने को मिल सकता है। साथ में अगर बात की जाए तो मिर्जापुर और जो भदोही है इस तरफ में भी क्षेत्र में जो है कहीं ना कहीं प्रभाव देखने को मिलेगा। तो जाहिर सी बात है इस संयुक्त रैली से कहीं ना कहीं एक मैसेज साफ हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर निषाद पार्टी और निषाद समाज के लिए बीजेपी अगुआ बनेगी और ऐसे में इन दोनों के गठबंधन को अगर बात की जाए तो एक बड़ा फायदा हो सकता है उत्तर प्रदेश के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि अगर देखा जाए कि 2017 के चुनाव के अंदर ओम प्रकाश राजभर जो है बीजेपी के साथ आया और एक बड़ी
जो है सीटों की अगर बात की जाए तो काफी सीटें जो है उन्होंने जीती, और हालांकि गठबंधन में कितनी सीटें मिलेंगी अभी ये तय नहीं है, लेकिन ये जरूर तय है कि इस गठबंधन से उत्तर प्रदेश की सियासत में पूर्वांचल को साधने में जो है भारतीय जनता पार्टी लगी हुई है, और संजय निषाद भी लगातार जो है कोशिश कर रहे हैं निषाद समाज को समझाने की कि भारतीय जनता पार्टी के साथ ही उनका हित है। और ऐसे में अगर ये जनता को समझा पाते हैं संजय निषाद, तो जाहिर सी बात है एक बड़ा फायदा भारतीय जनता पार्टी को हो सकता है आने वाले विधानसभा चुनाव में। जी जी रामानुज, वहीं अगर आज की रैली की बात की जाए, जिस तरीके से एक बड़ी रैली यहां पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से होने वाली है, जनसभा को भी यहां पर संबोधित किया जाने वाला है, क्या कुछ तैयारियां रमाबाई मैदान में की गई हैं? देखिए साहिल, मंच यहां पर जो है रमाबाई मैदान में लग चुका है, बैठने की जो है सारी व्यवस्था कर ली गई है, सुरक्षा के सारे इंतजाम कर लिए गए हैं, और ऐसे में कितनी देर का जो भाषण होगा ये सारा मिनट टू मिनट जो है भाषण भी तय कर लिए गए हैं कि कौन नेता कितनी देर भाषण देगा। इस समय मुख्यमंत्री उसमें प्रोग्राम में रहेंगे, डिप्टी सीएम दोनों रहेंगे, और सबसे बड़ी बात यह है कि जब अमित शाह आएंगे तो उनके स्वागत के बाद जो है कहीं ना कहीं ये विश्वास दिलाने की कोशिश है निषाद पार्टी की कि उत्तर प्रदेश में निषाद पार्टी की संख्या और बाहुबल जो है वो अन्य छोटे राजनीतिक दलों से ज़्यादा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं तैयारियां जो हैं वो भी पूरी कर ली गई हैं, भारतीय जनता पार्टी की अगर बात की जाए इनकी तरफ से भी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, और वहाँ प्रशासनिक अगर बात की जाए तो प्रशासन की तरफ से भी सुरक्षा व्यवस्था के सारे इंतजाम कर लिए गए हैं। साहिल, खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।